हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारा टॉपिक चल रहा है इंडियन इकोनॉमी सिंस 1950 टू 1990। प्रीवियस लेक्चर्स से हमने इसके डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर डिस्कस करना स्टार्ट किया था। उसमें तीन मेजर सेक्टर है, एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और ट्रेड। लास्ट लेक्चर से हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर डिस्कशन करना स्टार्ट किया था कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चरल सेक्टर के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे और उन चैलेंजेस को कौन से रिफॉर्म्स से हमने ओवरकम किया। प्रीवियस लेक्चर में हमने लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर पूरा डिस्कशन किया था और अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द टेक्निकल रिफॉर्म्स, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट क्या, ग्रीन रिवॉल्यूशन के पीछे का बैकग्राउंड क्या, ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसे इंप्लीमेंट किया गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन के हमारी कंट्री को क्या क्या फायदे हुए और ग्रीन रिवॉल्यूशन की क्या क्या लिमिटेशंस रही, हम सारा का सारा इस लेक्चर के अंदर अब हम डिस्कशन करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ में शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं। वैसे मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बार बार आपको बैकग्राउंड बता चुका हूं कि भाई हमें जो 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, उस टाइम जो ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री के हर इकोनॉमिक सेक्टर का सिस्टमेटिकली एक्सप्लॉयटेशन किया था, उसको बर्बाद करके रख दिया था, और उसी में से एग्रीकल्चरल सेक्टर भी अपने आप में एक सेक्टर था। ठीक, फाइन। जबकि जब 1947 में ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री से गए तो उस टाइम जो हमारी इकोनॉमी थी वो स्टेग्नेंट इकोनॉमी थी और एग्रेरियन इकोनॉमी थी। एग्रेरियन इकोनॉमी मींस जिसकी मेजॉरिटी एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें मेजॉरिटी लोग जो है वो उस स्पेसिफिक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। और हमको पता है कि मोर देन 75% पॉपुलेशन, 3/4 पॉपुलेशन से ज्यादा पॉपुलेशन जो थी हमारी कंट्री की पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट थी। उसके बावजूद भी हमारी कंट्री जो थी एग्रीकल्चरल सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी। हम इतना भी नहीं उगा पाते थे कि हमारे यहाँ के लोगों के लिए वो सफिशिएंट हो जाए, बल्कि हमको उल्टा फूड ग्रेन्स और दूसरे सीरियल्स जो थे वो दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ता था। हमारे यहाँ पर जो फार्मिंग होती थी वो सब ट्रेडिशनल वे से फार्मिंग होती थी। पूरी तरह से हम मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट थे। मॉनसून होगा तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अच्छा आएगा, मॉनसून नहीं तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बर्बाद। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो भी फर्टिलाइजर्स जो थे वो हम कौन से यूज करते थे, ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स बेसिकली यूज करते थे। हमारे यहाँ पर दूसरी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताई, जैसे हमारे यहाँ पर लैंड एक्विजिशन, जमींदारी सिस्टम था जो एक्सप्लॉइट करते थे किसको, फार्मर्स को। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी, जो फार्मर्स थे हमारे यहाँ के वो बहुत गरीब थे, उनके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं होता था। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी कंट्री के अंदर एग्रीकल्चरल सेक्टर जो था वो बहुत पिछड़ा हुआ था। प्लस 1943 अराउंड जो हमारे ईस्टर्न इंडिया में ग्रेट बंगाल फेमाइन आया, जिसमें बहुत सारे लोग मरे, किस वजह से, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के कम होने की वजह से, जो फूड ग्रेन्स था उस फूड ग्रेन्स की किल्लत की वजह से। तो ये सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट किया 1947 से लेकर तो 1967, नियर अबाउट 20 इयर्स का जो पीरियड है। इस 20 इयर्स के दौरान गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल एरिया के एक्सपांशन के ऊपर कंसंट्रेट किया। एग्रीकल्चरल एरिया के एक्सपांशन में कंसंट्रेट किया मीन्स ज्यादा से ज्यादा लैंड जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के ऊपर के लिए बेसिकली यूज की जाए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहां का जो एग्रीकल्चरल आउटपुट था वो नहीं बढ़ रहा था। अच्छा, दूसरी बात कि जो जमींदारी सिस्टम था और जो लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू गवर्नमेंट ने दूर कर दी थी, बहुत हद तक दूर कर दी थी, और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी थी जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं। नीचे चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक गिवन है, ऊपर आई बटन भी आ रहा होगा, कहीं से भी इसको फॉलो करके देख सकते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स एक्चुअली क्यों हमारे यहाँ पर अप्लाई किया गया है। एनीवे, तो लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू हमने एग्रीकल्चरल एरिया का एक्सपांशन तो कर दिया, अब हमें क्या करना था, हमारे सामने दूसरा चैलेंज था हमारे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बढ़ाना। ठीक है, और इसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए हमारी कंट्री में हमारी गवर्नमेंट ने मिड ऑफ 60s के अंदर मीन 65-66 के अराउंड ग्रीन रेवोल्यूशन का कंसेप्ट अडॉप्ट किया,
और ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे यहाँ के लिए एक बिल्कुल टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और उसने हमारी कंट्री को, जो कंट्री कल तक सेल्फ सफिशिएंट भी नहीं थी, उसको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में सरप्लस में ला दिया और इतना सरप्लस में आ गए कि हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को इवन हमारे यहाँ पे यूज करने के बाद में एक्सपोर्ट भी करने लगे। तो अब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन एक्चुअली क्या था? तो देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन का अगर मैं सिर्फ ओवरव्यू दूं तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था हमारी कंट्री में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को इंक्रीज करने का था कि हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, कुछ ऐसे टेक्निकल इनपुट्स हम इसके अंदर डालें जिससे हमारी कंट्री का एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बढ़ करके आए और हम सेल्फ सफिशिएंट, एटलीस्ट हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाए तो सेल्फ सफिशिएंट एटलीस्ट बन जाए। तो उसके लिए क्या किया गया? सबसे पहले तो ये देखा गया कि हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में जो सीड्स डाले जा रहे हैं वो सीड्स हमारे पास सारे पुराने हैं, मींस उसके अंदर कोई ऐसा मतलब उससे ज्यादा यील्ड निकलने की गुंजाइश नहीं होती थी। तो हमने क्या किया? अडॉप्शन ऑफ एचवाईवी सीड्स किया गया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। इसके साथ हमने कॉम्बिनेशन किया किसका? फर्टिलाइजर्स का, फर्टिलाइजर्स का कॉम्बिनेशन किया, पेस्टिसाइड्स का कॉम्बिनेशन किया, टेक्निकल नॉल टेक्निकली जिसको हम बोल सकते हैं ना कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हमने यूज किया और साथ में इरिगेशन फैसिलिटीज ली। इन चार से पांच कॉम्बिनेशंस का नाम अल्टीमेटली ग्रीन रिवॉल्यूशन पड़ा। क्या? सबसे पहले हमने अच्छे सीड्स, एचवाईवी सीड्स या मिरेकल सीड्स जिसको बोलते हैं, एचवाईवी सीड्स हमने अडॉप्ट किए, साथ में फर्टिलाइजर्स का यूज किया, पेस्टिसाइड्स का यूज किया, मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटी ली और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट किया। अच्छा, एक बात और बता दूं, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन थे, क्योंकि अगर आपने एचवाईवी सीड्स को यूज किया तो दूसरे फैक्टर्स को यूज किए बिना आप एचवाईवी सीड्स से ज्यादा प्रोडक्टिविटी या ज्यादा यील्ड की उम्मीद नहीं कर सकते थे। फाइन, तो ये हमारा कंसेप्ट था ग्रीन रिवॉल्यूशन का। अब देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो कंसेप्ट है ये सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं है। आप ये सोचेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन सिर्फ इंडिया में हुआ था, तो ऐसा नहीं है। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो मेजॉरिटी जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उसके अंदर हुआ था। 20th सेंचुरी के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग हुई और दुनिया के बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज है इसके अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन को अडॉप्ट किया गया और इसको स्टार्ट करने वाले अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट नॉर्मन ई बोरलॉग थे और ये नॉर्मन ई बोरलॉग ने मेजॉरिटी कंट्रीज के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया और नियर अबाउट 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्टारवेशन और जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की जो स्टारवेशन थी, मींस उसकी जो कमी थी, उससे उनको उबारा और इस वजह से उनको 1970 के अंदर नोबेल पीस प्राइज भी एक्चुअली मिला और इसी वजह से नॉर्मन ई बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है। बट हमारी कंट्री में ग्रीन रिवॉल्यूशन अडॉप्ट किया गया 1965 में और इसको स्टार्ट किया हमारे यहाँ के एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट और जेनेसिस थे एमएस स्वामीनाथन और एमएस स्वामीनाथन ने एक्चुअली हमारी कंट्री में ग्रीन रिवॉल्यूशन एक्चुअली स्टार्ट किया। अब हुआ ये कि 19 इसके दो फेजेस थे, एक तो फर्स्ट फेज के अंदर इसमें दो फेजेस के अंदर इसको स्टार्ट किया और दोनों फेजेस के बीच में नियर अबाउट 10 इयर्स का गैप था। 1965 में एक्चुअली देखिए, मैंने अभी क्या बताया आपको, ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए चार चीजों की एक्चुअली रिक्वायरमेंट थी, चार चीजों का कॉम्बिनेशन लगता है। सबसे पहले कौन से थे? एचवाईवी सीड्स लगते हैं इसमें, इसके साथ में एचवाईवी सीड्स को डेवलप करने के लिए फर्टिलाइजर्स लगता है, उसके साथ में पेस्टिसाइड्स लगते हैं और साथ में बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज लगती है। ठीक है, तो इन चारों के कॉम्बिनेशन से ग्रीन रिवॉल्यूशन एक्चुअली मतलब सक्सेसफुल होता है। ठीक, अब HYV seeds, fertilizer, pesticides और irrigation facility की वजह से सबसे पहले first phase के अंदर उन sectors को या उन मैं कहूँ उन states को actually select किया गया जहां पर irrigation facilities comparatively अच्छी थी। इसके अंदर सबसे पहले जैसे हम बोलें पंजाब है, आंध्र प्रदेश है और इस तरह के जो 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 states थे वहां पर पहले green revolution start किया गया। और आप यकीन मानेंगे कि एक साल के अंदर हमारी कंट्री में 67-68 के अंदर 66-67 में इसको स्टार्ट किया गया, 67-68 में ही हमारी कंट्री का जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस था वो 25% से इंक्रीज हो गया। और जब हमें यहां पर सक्सेस मिलने लगी तो फिर हमने ये था हमारा कौन सा मिड 60s के अंदर, मीन 67-68 के अराउंड हमने फर्स्ट फेज किया, उसके बाद मिड 70s में 77-78 अराउंड हमने सेकंड फेज किया और जो जो हमारी
कंट्री के जो दूसरे स्टेट्स थे उन स्टेट्स के अंदर फिर हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन को अडॉप्ट किया। एक्चुअली इसमें करने का पर्पस ये था कि भाई यहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज कंपैरेटिवली अच्छी थी और यहां के जो फार्मर्स थे वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा फाइनेंशियली साउंड थे, जिस वजह से उन लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन को बहुत इजीली अडॉप्ट किया। तो कहने का मीनिंग ये होता है कि एमएस स्वामीनाथन जो है हमारी कंट्री के फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है और इन्होंने 65-66 में हमारा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग की गई 66-67 से, और जैसे ही हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया तो हमारे यहां पर एक 25% का एक साल के अंदर इंक्रीमेंट हुआ। और आप यकीन मानेंगे इसके अंदर, अच्छा एक बात मैं बताऊं कि मेजरली जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का कंसंट्रेशन था वो किसके ऊपर था, फूड ग्रेन्स के ऊपर था, मींस वीट के ऊपर, राइस के ऊपर, इन दो फसल के ऊपर ज्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन का एम्फसाइज किया था, क्योंकि हमारे यहां पर जो फूड ग्रेन्स की कमी थी और उसी को हमें ओवरकम करने के लिए हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया था वीट और राइस पे। और मेजरली देखा जाए तो वीट का जो प्रोडक्शन था वो 3 times इंक्रीज हुआ ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। हमारी कंट्री में वीट का प्रोडक्शन 3 times और उससे भी ज्यादा से इंक्रीज हुआ, जबकि जो दूसरी क्रॉप्स हैं वो मैक्सिमम 2 times तक ही इंक्रीज बेसिकली हो पाई। मींस हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन ने वीट के ऊपर और राइस के ऊपर सबसे ज्यादा एम्फसाइज अल्टीमेटली किया। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बैकग्राउंड के बाद में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। जैसे जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का कांसेप्ट क्या है, 4-5 चीजों का कॉम्बिनेशन करना और उसके कॉम्बिनेशन से हमारी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, ठीक है फाइन। देखिए सबसे पहला इसका फैक्टर है यूज ऑफ HYV सीड्स। HYV का फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है। हुआ ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे यहां के क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो ट्रेडिशनल सीड्स थे उन ट्रेडिशनल सीड्स को हटा करके हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को अडॉप्ट किया, और ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो थे ये बाहर से हमारे यहां पर इंपोर्ट किए गए। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ यूएस गवर्नमेंट ने भी साथ दिया और फोर्ड, रॉकफेलर, 2-4-5 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने इसके अंदर भी अल्टीमेटली अपना कंट्रीब्यूशन दिया, फाइन। तो ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स एक्चुअली अडॉप्ट किए गए, और यूजुअली हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स सबसे ज्यादा वीट के लिए, राइस के लिए, मेज के लिए और ज्वार के लिए बेसिकली यूज किए गए, और इन्हीं के अंदर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ने ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की, ठीक है। यही एक इसका बड़ा सबसे बड़ा फीचर है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है, और यही बाद में नेगेटिव एस्पेक्ट बनाया कि हमने जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स से वो घूम फिर कर बस इन्हीं के ऊपर लिमिटेड कर दिए, क्योंकि हमें फूड ग्रेन्स का ज्यादा वो चाहिए था, हमने कोई दूसरे फ्रूट्स हुए, दूसरी वेजिटेबल्स हुई, उनके ऊपर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज एक्चुअली नहीं किया। एनीवे, तो सबसे पहला काम जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का था, इसका पहला एलिमेंट था यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मींस ऐसे सीड्स यूज करना जो आपकी प्रोडक्टिविटी को अल्टीमेटली इंक्रीज करे। अब देखिए जब ये सीड्स अगर ऐसे हम यूज कर रहे हैं तो नेचुरली ये सीड्स अपने आप में डेलिकेट होते हैं और इसके ट्रीटमेंट में स्पेशल प्रिकॉशन की रिक्वायरमेंट होती है। जो पहले हम सीड्स यूज करते थे उसमें इतनी प्रिकॉशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, यहां पर अगर आपको HYV सीड्स यूज करने हैं तो आपको अपनी इरिगेशन फैसिलिटीज को एक्सपांड करना पड़ेगा, क्योंकि इनको पानी ज्यादा लगता है और ये ज्यादा वाटर का कंजम्पशन करते हैं, और जब ज्यादा वाटर का कंजम्पशन करेंगे तो इरिगेशन फैसिलिटीज भी हमारे यहां पर डेवलप होना चाहिए। और इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए पहले हम जो मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट थे, अब हमें मॉनसून पर से डिपेंडेंसी हटाना पड़ेगी। चलिए जो मॉनसून का सीजन है उस सीजन के अंदर तो मॉनसून से हमें वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, और जो सीजन मॉनसून का नहीं है उस टाइम आप क्या करेंगे बेसिकली, तो उसके लिए आपको अपनी इरिगेशन फैसिलिटीज को डेवलप करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि पहले फेज के अंदर पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इस टाइप के स्टेट्स को एक्चुअली सिलेक्ट किया गया जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी और वाटर फैसिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी थी, और वहां पर इसको पहले अडॉप्ट किया गया, और जिस जो वहां से सक्सेस मिली तो फिर बाकी फिर 10 साल के बाद में दूसरी जगहों पर इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप करने के बाद में mid-70s के अंदर दूसरे स्टेट्स के अंदर भी इसको अडॉप्ट अल्टीमेटली किया गया। तो सेकंड क्या था हमारा, एक्सपांशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। जब तक आपके पास अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होगी तो ये HYV सीड्स का जो 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 आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये अपने आप में सक्सेसफुल नहीं होगा, बिकॉज HYV सीड्स जो था उनका पानी का कंजम्पशन कंपैरेटिवली ट्रेडिशनल सीड्स से ज्यादा था। दूसरी बात, HYV सीड्स के अंदर फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट होती थी, ठीक है, क्योंकि जब तक HYV सीड्स अपने आप में काम नहीं करेंगे जब तक बेटर इरिगेशन फैसिलिटी और केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं मिलते। आप देखेंगे हमारे यहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले जो हम फर्टिलाइजर्स यूज करते थे वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करते थे, जस्ट इन काइंड ऑफ काउ डंग हुआ या कोई दूसरे ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स हुआ करते थे, या जो हमारे
पास खाने का जो वेस्ट बच गया वो सारे कॉम्पोस्ट जो होते थे उन्हीं कॉम्पोस्ट से हम क्या करते थे, हमारे फर्टिलाइजर के फॉर्म में उसको यूज करते थे। लेकिन HYV सीड्स को केमिकल फर्टिलाइजर, जो हमारे यहाँ के एडवांस्ड केमिकल फर्टिलाइजर थे, वो एडवांस्ड केमिकल फर्टिलाइजर की यूज की रिक्वायरमेंट हुई। ठीक है, जब तक हम केमिकल फर्टिलाइजर को, अच्छे केमिकल फर्टिलाइजर को यूज नहीं करेंगे तब तक हमारे HYV सीड्स भी डेवलप नहीं होंगे। मींस अगर HYV सीड्स को अगर आपको डेवलप करना है तो यू नीड इरिगेशन फैसिलिटीज, केमिकल फर्टिलाइजर्स, और इसके साथ एक बड़ा ड्रॉबैक था HYV सीड्स के साथ में कि इसके ऊपर पेस्ट बहुत जल्दी लगते थे, मींस कीड़े बहुत जल्दी लग जाते थे। ठीक है, बहुत डेलिकेट, मैंने आपसे कहा स्टार्टिंग में कि बहुत ही डेलिकेट अपने आप में सीड होता है, क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड है तो इसके ऊपर पेस्ट बहुत जल्दी लगते थे, और उन पेस्ट कंट्रोल के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट हुई, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स की। जो केमिकल हमारे लगे इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो थे, वो पेस्टिसाइड्स की रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ पर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के लिए भी लगी। मीन्स हमारे ये जो चार एलिमेंट थे, इन चार एलिमेंट को मिलाकर, प्लस हमारे एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी था कि इरिगेशन, हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मीन्स मैं इसको कहूं कि इसके अंदर मॉडर्नाइजेशन का इनपुट भी होना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन का इनपुट का मीनिंग होगा जैसे हमारी कंट्री में जो ट्रैक्टर्स हैं, ट्रैक्टर्स के थ्रू और जो मॉडर्न कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मींस जो हमारे यहाँ पर देखिए पहले जो बैल और हल के थ्रू हम क्या करते थे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज परफॉर्म करते थे, लेकिन HYV सीड्स लगी तो उसके अंदर हमें ज्यादा कम मेहनत के अंदर ज्यादा यील्ड लगी, तो उसके अंदर हमने कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और कुछ ऐसे कैपिटल असेट्स मींस उसी मशीन्स उसके अंदर लगाई जिससे हमारी मेहनत कम से कम हो सके, जिसमें ट्रैक्टर का यूज हुआ, कैपिटल दूसरे और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका भी यूज करके हमने अल्टीमेटली हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन को सक्सेसफुल बनाया। एलिमेंट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में अब हम बात करेंगे अबाउट द गेन्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के हमारी कंट्री के अंदर क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एक्चुअली हुए। देखिए उसमें सबसे पहला एस्पेक्ट जो हमारा मेन पर्पस था, इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का कांसेप्ट जो है अपने आप में टेक्निकल रिफॉर्म है, और टेक्निकल रिफॉर्म का जो मेजर पर्पस था वो ये था कि हमारी कंट्री की जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी थी उसको किसी तरह से इंक्रीज करना। तो मैंने आपको बता ही दिया कि वीट की जो प्रोडक्टिविटी थी वो 3 times से इंक्रीज हो गई थी, और जो दूसरे सीरियल्स थे, राइस हुआ या दूसरा मेज ज्वार हुआ, इनकी प्रोडक्टिविटी भी नियर अबाउट 2 times हो गई थी, मींस डबल हो गई थी। इससे हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्टिविटी जो क्रॉप्स की थी वो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी एक्चुअली बढ़ी। अच्छा, इसके अंदर क्या था, स्टार्टिंग के अंदर जो फार्मर थे इसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में हेजिटेट करते थे, इसीलिए मिड 60s के अंदर जो 3 states के ऊपर एम्फेसाइज किया गया, जो मैंने आपको 3 states बताए, इसीलिए किए गए कि वहां के फार्मर्स थोड़ा सा क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन में HYV सीड्स की जो टेक्नोलॉजी थी अपने आप में थोड़ी सी कॉस्टली भी हुआ करती थी, तो हर फार्मर के लिए बस की नहीं थी। और मैंने आपको बताया कि पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ के जो मेजॉरिटी फार्मर्स थे वो बहुत पुअर क्लास के फार्मर्स थे, तो उनके लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन में ये जो कहने का मेरा मीनिंग है कि भाई इस तरह की टेक्नोलॉजी को, HYV सीड्स की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल काम था। एनीवे, हमारे पहला जो हमारा बेनिफिट हुआ और जो पहला पॉजिटिव एस्पेक्ट था वो ये था कि हमारी कंट्री की क्रॉप प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली इंक्रीज हो गई। सेकंड हो गया इंक्रीज इन एकरेज। एकरेज का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी पर एकर। ठीक है, 1 acre के अंदर, या मैं कहूं इसको, मैं कहूं कि भाई जो कल्टीवेटेड क्रॉप का जो एरिया है उसको बढ़ाना कैसे भी करके, मान लीजिए कि पहले इतनी लैंड थी और ये लैंड जो थी ये किसी काम की नहीं थी, ऐसे ही थी जहां पर ऐसे नॉर्मली जो जंगली ग्रास है वो उग रही थी, तो इसको भी क्या किया गया, हमने एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के अंदर यूज कर लिया गया, क्योंकि हमारे पास HYV सीड्स थे तो हमने उसको भी फर्टाइल लैंड के अंदर एक्चुअली कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारा इंक्रीज इन एकरेज होता है। थर्ड होता है इंक्रीज इन रूरल एम्प्लॉयमेंट। देखिए, जैसे ही पहले मैं इस पे आता हूं, सेल्फ सफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विद बफर स्टॉक। हमारी कंट्री में जहां पर पहले फूड ग्रेन्स की किल्लत हुआ करती थी और हम दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट होते थे, वहां से हम फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करते थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में हमारी कंट्री जो थी वो फूड ग्रेन्स में और दूसरी चीजों में सेल्फ सफिशिएंट हो गई, प्लस हमारे पास एक्स्ट्रा स्टॉक भी हमारे पास बचने लगा, जिससे हमने दूसरी कंट्रीज को भी कई दफा हमारे यहाँ के फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट किया, और आज तक भी हम अल्टीमेटली वो फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश का जो वीट होता है वो बहुत फेमस वीट है, और ये वीट जो है पूरी कंट्री के साथ साथ इंडिया के बाहर भी अल्टीमेटली एक्सपोर्ट होता है। चलिए, एनीवे, तो सेल्फ सफिशियंसी मींस
हम जो पहले हमारी कंट्री के लिए भी पूरी फूड ग्रेन्स पूरे नहीं हो पाते थे, तो हम इसमें सेल्फ सफिशिएंट हो गए, प्लस हमारे पास कुछ बफर स्टॉक भी अल्टीमेटली बचने लगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट हुआ चेंज इन फार्मर्स मेंटालिटी। फार्मर्स की जो मेंटालिटी, उसका जो आउटलुक था, उसको चेंज किया गया। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ब्रिटिशर्स ने जो 200 साल हमारे यहां पर राज किया और जिस तरह से एग्रीकल्चरल सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया, इससे हमारे फार्मर्स की मेंटालिटी बहुत हद तक नेगेटिव हो गई और उनका एक ही कंसेप्ट रह गया था कि भाई हमें क्या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करना है, ये सेल्फ सब्सिस्टेंस के लिए, मीन्स हमें खुद के सर्वाइवल के लिए करना है, आगे हमें इससे कोई बेनिफिट नहीं उठाना। लेकिन जैसे ही क्रॉप प्रोडक्टिविटी बची और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा और उनको लगा कि अब तो हमारे पास सेल्फ सब्सिस्टेंस के बाद भी कुछ बच गया, सरप्लस बच गया, और लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू लैंड आपकी हो चुकी थी, फार्मर्स की हो चुकी थी, तो उनको उसके अंदर फिर मेंटालिटी चेंज हुई और उसके उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ कि भाई अब हम कुछ बेच सकते हैं। और जब वो मार्केट में उन्होंने उसको बेचना स्टार्ट किया तो नेचुरली उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, तो उनकी लिविंग कंडीशन भी अल्टीमेटली चेंज हो गई। उसके बाद फिर शिफ्टिंग फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग मींस अब ये एक टाइप का बिजनेस मॉडल बना दिया गया। बिजनेस मॉडल के अंदर क्या था, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को हमने कमर्शियल फार्मिंग के फॉर्म में ले लिया, जिससे हमने जो एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देता फार्मर, उसको मार्केट में अच्छे रेट के ऊपर बेच देते और गवर्नमेंट कोऑपरेटिव फार्मिंग के थ्रू उनसे वो गुड्स को अच्छे रेट के ऊपर परचेस कर लेती। उसके बाद था एक हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अभी देखिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे हुई, तो देखिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर, इसके अंदर दो कंसेप्ट है। पहला ये कि हमारे ज्यादा प्रोडक्टिविटी से हमने इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल देना स्टार्ट किया, प्लस अभी मैंने आपसे क्या कहा कि एडवांस टेक्नोलॉजी से हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होने लगी, जिससे हमारे यहाँ पर ट्रैक्टर्स की और दूसरी मशीनरीज की जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के अंदर यूज होती थी उनकी रिक्वायरमेंट हुई। तो इनको बनाने के लिए, इतना बड़ा, इतनी बड़ी कंट्री है, वहां पर इतनी ज्यादा उनकी रिक्वायरमेंट हुई, तो इनको बनाने के लिए नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप हुई। और जब नई नई इंडस्ट्री सेटअप हुई तो नेचुरली हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी अल्टीमेटली ये ग्रीन रिवोल्यूशन से हुई। उसके बाद एक लास्ट इंक्रीज इन रूरल एम्प्लॉयमेंट। देखिए मैंने आपको कहा था कि पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारी एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी और मेजॉरिटी पीपल जो थे वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंडेंट थे। जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो उस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हुआ, तो हमारे यहाँ का रूरल एम्प्लॉयमेंट जो था वो उसके अंदर बेसिकली उस रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। अच्छा, रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के पीछे एक रीजन और बताता हूँ, डबल क्रॉप सीजन जिसको फॉलोइंग बोलते हैं। मींस होता क्या है कि भाई आप पहले क्या होता था, एक क्रॉप उगा ली और उसके बाद में लैंड की फर्टिलिटी रीगेन करने के लिए थोड़ा सा गैप देना पड़ता है, तो वो गैप बहुत लंबा होता था और इस वजह से साल में सिर्फ एक ही क्रॉपिंग सीजन हो पाता था। लेकिन जैसे ही हमने HYV सीड्स डाले और ये सारे के सारे जो मैंने अभी एलिमेंट्स बताया उन एलिमेंट्स को फॉलो किया, तो हमारे यहाँ पर जो फॉलोइंग का जो पीरियड है, मींस जो क्रॉप, जो दो क्रॉप के बीच का जो टाइम था उसको कम कर दिया और अब एक साल के अंदर जो फार्मर थे वो दो क्रॉपिंग सीजन करने लगे। और दो क्रॉपिंग सीजन की वजह से नेचुरली दो क्रॉपिंग सीजन करेंगे तो एग्रीकल्चरल आउटपुट भी ज्यादा आया और एग्रीकल्चरल आउटपुट ज्यादा आने की वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अल्टीमेटली बढ़ा और उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिला। पहले वो साल में 6 महीने 4 मंथ काम करते थे, अब साल में वो 8 से 9 मंथ काम करने लगे और ज्यादा पैसा उनको मिलने लगा। तो एक तरह से रूरल डेवलपमेंट या रूरल एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी एक तरह से इंक्रीमेंट हुआ ड्यू टू ग्रीन रिवोल्यूशन। अभी हमने डिस्कस किया ग्रीन रिवोल्यूशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेचुरली ग्रीन रिवोल्यूशन जो था वो गवर्नमेंट ने एक अच्छी नीयत से स्टार्ट किया था, बट क्या ग्रीन रिवोल्यूशन के कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे? तो जिस दुनिया में हर चीज के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं, तो नेचुरली इस ग्रीन रिवोल्यूशन के भी कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे, सो वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहले फॉर लिमिटेड क्रॉप्स, देखिए मैंने आपको बताया कि जो ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया था मेनली इसमें किस पे एम्फेसाइज किया गया, फूड ग्रेन्स के ऊपर ही एम्फेसाइज किया गया और उसके अंदर भी वीट में सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया गया, राइस और ज्वार और मेज इन्हीं के ऊपर एक्चुअली एम्फेसाइज किया गया। दूसरी क्रॉप्स हुई जस्ट लाइक वेजिटेबल्स हुए, फ्रूट्स हुए, इसकी भी हमारे यहां पर अच्छे जो क्रॉपिंग एरिया है उसके ऊपर एम्फेसाइज अल्टीमेटली नहीं किया गया, तो सिर्फ लिमिटेड क्रॉप्स के लिए आया, जिस वजह से इतना डेवलपमेंट जितना हमें करना चाहिए तो उतना डेवलपमेंट हम एक्चुअली कर नहीं पाए। फाइन, सेकंड हुआ लेसर एम्फेसाइज ऑन कमर्शियल क्रॉप्स। अच्छा, कमर्शियल क्रॉप्स वो होती है जिसकी कमर्शियल वैल्यू होती है, जो इकोनॉमिकल वैल्यू होती है और जो इंडस्ट्रीज में एक्चुअली यूज होती है, जस्ट लाइक व्हाट जूट हुआ, है ना, कॉटन हुआ, टी हुआ, कॉफी हुआ, तो इनके ऊपर ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया गया। और नेचुरली देखिए उस टाइम बहुत डिलेमा था उस टाइम के लीडर्स में, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक हालत थी वो बहुत ज्यादा खराब थी और हमें सिर्फ ये करना था भाई किसी तरह से हमारे यहाँ का फूड ग्रेन्स बढ़ाना था, क्योंकि हमारे यहाँ पर फूड ग्रेन्स की बहुत कमी थी। तो
इतनी बड़ी कंट्री के अंदर जब इतना बड़ा मिशन लेके चल जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप होल्स उसमें रह जाते हैं। तो हम एम्फेसाइज किस पे कर पाए, फूड ग्रेन्स के ऊपर कर पाए, और जो हमारी कमर्शियल क्रॉप्स थी उसके ऊपर हमने एम्फेसाइज नहीं किया। मींस एचवाईवी सीड्स हमारे फूड ग्रेन्स की क्रॉप्स के लिए तो थे, एचवाईवी सीड्स हमने कमर्शियल क्रॉप्स के लिए यूज नहीं किए। अगर हम इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत एम्फेसाइज करते तो हमारे यहाँ की इसकी कमर्शियल क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ती और नेचुरली उससे हमारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भी इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन भी बढ़ता और हम वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाते। एनीवे, रीजनल डिस्पैरिटीज का मीनिंग होता है कि भाई इससे कुछ स्टेट्स जो थे उन्होंने तो बहुत ज्यादा बेनिफिट उठाया और कुछ स्टेट्स जो थे वो बेनिफिट नहीं उठा पाए। जैसे मैंने आपसे कहा पंजाब का हुआ, तमिलनाडु का हुआ, आंध्र प्रदेश का हुआ, केरला हुआ, ये सारे के सारे स्टेट्स ने तो इसका बहुत बेनिफिट उठाया, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी थे जो इस ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट नहीं उठा पाए। तो रीजनल डिस्पैरिटीज बढ़ गई, कहीं पर बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आ गई और कहीं के फार्मर्स वही अल्टीमेटली पुअर रह गए। ठीक है, तो एक रीजनल डिस्पैरिटीज बढ़ी। अच्छा, रीजनल डिस्पैरिटीज स्टेट टू स्टेट भी थी और एरिया टू एरिया भी थी। मींस एक ही एरिया के अंदर कहीं पर ज्यादा क्रॉप का यूज हो गया और कहीं पर कम, बेसिकली एचवाईवी सीड्स का, तो एक इससे भी फर्क पड़ा। दूसरा कि इसके अंदर में ये जो था एक्चुअली इसके अंदर ये था कि एक रीजनल डिस्पैरिटीज ये बोल सकते हैं कि जैसे एक ही एरिया के अंदर एक ही विलेज में जो जिनके पास रिसोर्सेज ज्यादा थे, जो रिच फार्मर्स थे, उन्होंने तो ग्रीन रिवॉल्यूशन को बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लिया, लेकिन जो पुअर फार्मर्स थे वो बेचारे ग्रीन रिवॉल्यूशन को अडॉप्ट नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा सा ये कंपैरेटिवली कॉस्टली था। हाँ, गवर्नमेंट ने उसके लिए सब्सिडी दी और गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे देकर फिर उसको क्या किया, अल्टीमेटली जो पुअर फार्मर्स है उनकी भी हेल्प की माना उसके अंदर। लेकिन एक ये भी होता है कि भाई सब्सिडी भी कितने हद तक, किस एक्सटेंट तक दी जा सकती है, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम बेसिकली रही। तो रीजनल डिस्पैरिटीज स्टेट टू स्टेट भी रही और सेम स्टेट के अंदर एक ही विलेज के अंदर भी रीजनल डिस्पैरिटीज रही बड़े फार्मर्स और छोटे फार्मर्स के बीच में। दूसरा ये कि भाई हम बोल रहे हैं कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसने हमारे यहाँ के वीट प्रोड्यूस को 3 times बढ़ा दिया, दूसरी क्रॉप को 2 times बढ़ा दिया, सब तरफ हम एक्सेसिव, हमारे पास सरप्लस क्रॉप होने लगी, लेकिन फिर भी आप याद करें देखें इसके अंदर कि सिर्फ हमने 40% क्रॉपिंग एरिया को कवर किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर, 60% क्रॉपिंग एरिया तो फिर भी ग्रीन रिवॉल्यूशन से पीछे ही रहा, वहां पर तो हम इसको यूज भी नहीं कर पाए। आप सोचिए अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन पूरा 100% क्रॉपिंग एरिया के ऊपर अगर यूज हो जाता तो उसकी हमारी कंट्री की तस्वीर ही एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की बिल्कुल बदल जाती। एनीवे, नेक्स्ट है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स। देखिए एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स, मैंने क्या कहा था कि एचवाईवी सीड्स का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनता है, फर्टिलाइजर्स का, और वो फर्टिलाइजर्स कौन से यूज होने लगे, ट्रेडिशनल नहीं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, और वही केमिकल फर्टिलाइजर्स उस टाइम तो यील्ड बढ़ा दी, आज हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुके हैं। ये सिर्फ ह्यूमन बींग के लिए डेंजरस नहीं है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हम एक्सेसिव केमिकल ले रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, फार्मर्स को ट्रेंड नहीं किया गया कि आपको कितना केमिकल फर्टिलाइजर इसके अंदर डालना है, तो फार्मर्स क्या करते थे, एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल देते थे जिससे क्रॉप की जो क्वालिटी है उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता था। और दूसरा ये हार्मफुल केमिकल्स जो थे वो इंसान के लिए भी अल्टीमेटली क्या थे, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल थे। प्लस इसके साथ साथ जो लैंड थी उस लैंड की फर्टिलिटी भी अल्टीमेटली कम करने वाले थे, उसका पीएच फैक्टर और ये सब चीजें भी बढ़ा रहे थे। सॉइल डिग्रेडेशन का मीनिंग होता है कि भाई बार बार डबल क्रॉपिंग सीजन की वजह से जिसमें गैप जो थी 2 crops के बीच में कम थी, इस वजह से अल्टीमेटली ये हुआ कि इसको हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो क्रॉप की फर्टिलिटी रीगेन करने का, जो लैंड को अपनी फर्टिलिटी रीगेन करने का टाइम नहीं मिलता था और इस वजह से सॉइल का डिग्रेडेशन हुआ और प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली लॉन्ग रन के अंदर जो थी वो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। तो ये हमारा कंसेप्ट था ग्रीन रिवॉल्यूशन का। आई होप आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट क्लियर होगा, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसके एलिमेंट्स, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट पर हमने डिस्कशन किया। आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, जब चाहे आप कमेंट लिख करके अपनी क्वेरीज को रेज कर सकते हैं, जितनी जल्दी होगा पढ़कर रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और एक बार फिर से अपील है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी एकेडमी। थैंक यू।